नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। रालोसपा ने आज बिहार बंद बुलाया है। शनिवार को आक्रोश मार्च के दौरान शिक्षा सुधार आक्रोश मार्च जो रालोसपा का था, उस दौरान कथित रूप से उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हुआ था। रालोसपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, तो इस हमले और इस लाठीचार्ज के खिलाफ आज रालोसपा कार्यकर्ताओं ने बंद बुलाया है। रालोसपा का बंद है आज, और इस बंद को बिहार की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, और इस बंद का असर बिहार के तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें हमारे पास आई हैं बिहार के कई जगहों से। नौबतपुर से हमारे पास तस्वीर है, हमारे पास पटना की तस्वीर है, हमारे पास बक्सर में राजधानी एक्सप्रेस रोकी गई है, तो तमाम तरह की तस्वीरें हैं। राजद सड़क पर उतरी है इस बंद के समर्थक में, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर उतरी हैं। जीतनराम मांझी सड़क पर उतरे हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वृषण पटेल सड़कों पर हैं, तो तमाम विपक्षी पार्टियां इस बंद के समर्थन में खुलकर रालोसपा के साथ खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि शनिवार को रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में शिक्षा सुधार कार्यक्रम के तहत एक शिक्षा सुधार आक्रोश मार्च निकाला गया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हुआ था। रालोसपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, कई रालोसपा कार्यकर्ता घायल हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा अब भी घायल हैं और पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है, और घायल होने की वजह से वो कल राहुल गांधी की जो जनआकांक्षा रैली थी पटना के गांधी मैदान में, उसमें शामिल नहीं हो सके थे। कल पप्पू यादव ने मुलाकात की थी उनसे जाकर, और इस उन पर हुए हमले को राजनीतिक साजिश बताया था। शरद यादव उनसे जाकर मिल चुके हैं अस्पताल में, तो इस ये मामला जो है रालोसपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और उपेंद्र कुशवाहा पर हमले का जो मामला है, इसने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है, पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता हुआ यह मामला। और आज बिहार बंद रालोसपा का, और बिहार बंद में तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन। तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसी तस्वीरें आ रही हैं बिहार के तमाम जगहों पर। बंद का मिला जुला असर है, कहीं पर असर ज्यादा है, कहीं पर असर कम है, तो जिस तरह से भी असर है और जैसी तस्वीर है आज बिहार बंद की, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रालोसपा कार्यकर्ताओं और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हमले ने जो राजनीतिक रंग पकड़ा है, उस पर उसका जो असर है बिहार की राजनीति पर, चुनाव से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अब यह मामला गरमा गया है, और एक तरह से बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद, सरकार को घेरने की कोशिश, पूरा विपक्ष इस मुद्दे को एकजुट है, तो विपक्षी एकजुटता का बहाना भी बना है यह मसला, यह मुद्दा जो है विपक्ष इस बहाने भी एकजुट है, एक साथ सड़कों पर है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे खुद सड़क पर हैं। बंद पूरा सफल है, सभी लोग सफल हैं। अभी सरकार नीतीश कुमार, जिसको हम पलटू राम कहते हैं, गर्दनियां दे करके जब तक सत्ता से हम नहीं उतारने का काम करेंगे, विपक्षी एकता का यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा, जारी रहेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह विपक्षी पार्टियां इस बंद को बंद का समर्थन कर रही हैं। रामचंद्र पूर्वे सड़क पर हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जीतनराम मांझी, वो सड़कों पर हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूषण पटेल, वो सड़कों पर हैं, तो तमाम विपक्षी पार्टियां और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी सड़कों पर हैं, तो पूरी तरह से राजनीति गरमा गई है, पूरी तरह से यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्षी पार्टियां खुलकर अब इस बंद के समर्थन में, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में, रालोसपा के समर्थन में, और रालोसपा कार्यकर्ता और उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले के विरोध में राजनीति गर्म है बिहार की। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।